बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है कि हम छोटी गलतियां कर जाते हैं और वो गलतियां आगे जाके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हमको जनरेट कर देती है। तो इत्मीनान से आप चीजों को अटेंड करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि हार्डवेयर वाइज शारीरिक रूप से हम सब एक जैसे हैं। सबका दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, नाक है। इस तरीके से प्रकृति ने, भगवान ने हम सबको एक जैसे बनाया है। हम डिफरेंट जो होते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, वो शारीरिक रूप से सब एक जैसे हैं, लेकिन डिफरेंट जो हमको बनाता है वो है हमारा मानसिक रूप जो है। हार्डवेयर वाइज हम सब एक जैसे हैं, सॉफ्टवेयर वाइज जो है वो सब हम अलग 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 होते हैं। तो सॉफ्टवेयर वाइज जो हमको अलग अलग जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर में आज पूरी डिटेल जो बातचीत होगी हमारी, वो सॉफ्टवेयर के ऊपर में पूरी बातचीत होगी आज, कि हमारा माइंडसेट कैसा है इस बिजनेस को लेके, हमारा माइंडसेट कैसे काम करता है, प्रणाली को लेके, सिस्टम को लेके, उसके ऊपर में पूरी चर्चा होने वाली है। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी, उस स्टोरी के माध्यम से कि मैं, हम सब क्या है, उसके माध्यम से मैं स्पेशल थैंक्स करके, इस कंपनी को थैंक्स करके मीटिंग की शुरुआत करूंगा। एक गधा था और वो गधा, गधे को सुबह सुबह पूरी तैयारी के साथ जबरदस्त तरीके से नहला धुलाकर सजाया गया, और सजाने के बाद में बहुत इत्मीनान से, बहुत बहुत इत्मीनान से उसके ऊपर में कुछ बोझ दिया गया, और बोझ देने के बाद में ढोल नगाड़े बहुत सारी चीजें जो है, आवाजें जो है, उसके सामने फटाके वटाके लेके उस गधे को सजाने के बाद में ढोल नगाड़े के साथ में उसको आगे बढ़ाया गया। धीरे 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 चलते रहे लोग, सामने से जितने लोग भी आते थे रोड में, जब गधा चलने लगा तो सामने से जितने लोग भी आते थे सभी लोग उसको प्रणाम करते थे। तो गधा जो था, जो देख रहा था, बोले आज का दिन बड़ा अद्भुत है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब प्रणाम कर रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई। बड़े अचरज के साथ में, बड़े मस्ती के साथ में वो रोड पे चलता हुआ जा रहा था, सभी लोग उसको प्रणाम करते हुए जा रहे थे। चलते 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 बहुत समय बाद ढोल नगाड़े बज रहे थे जबरदस्त तरीके से, फटाके फूट रहे थे। चलते 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 बहुत कुछ समय बाद में पूरी जो माहौल जो थी वो एक नदी के किनारे पहुंची। नदी के किनारे जैसे पहुंची तो पूरा माहौल जो है वो शांत हो गया, और जैसे ही पूरा माहौल शांत हुआ, शांत होने के बाद में गधा देखा कैसे, क्या हो गया, सब शांति कैसे हो गई। उसको प्यास लगी थी, वो नदी के पास में गया और जैसे पानी पीने को किया वैसे ही वो देखता है कि उसके पीठ के ऊपर में गणेश जी की मूर्ति रखी हुई। तो गधे को ये बात समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगी कि जितने लोग उसको रास्ते में चलते हुए प्रणाम कर रहे थे वो गधे को प्रणाम नहीं कर रहे थे, उस गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। तो आज जितने लोग मुझे बैठ के सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप गजेंद्र कुमार साहू को नहीं सुन रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेरे सिर के ऊपर में आज जो एनर्जिक कंपनी का जो छत्र छाया है, एनर्जिक की जो मशीन है जो हम सबके जीवन में एक जबरदस्त तरीके से उत्साह पैदा कर रही है, एक जबरदस्त तरीके से परिवर्तन ला रही है, हम सब आज उस चीज को सुन रहे हैं। तो प्लीज इत्मीनान से चीजों को सुनिए। मैं स्टोरी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि आज जितने भी हैं, चाहे वो प्रशांत सर हैं, चाहे शैलेन तिवारी सर हैं, चाहे सुदेश मलिक सर हैं, प्रधान सर हैं, मोहंती सर हैं, जितने भी लोग, जितने भी लीडर्स आज मंच के सामने हैं, अपने अपने जीवन में जितने भी काम उन्होंने किए सभी जगह में उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा चीजों को लेके, लेकिन आज उनका एक्सपीरियंस इस मंच के माध्यम से इतना बड़ा हो चुका है कि आज पूरी दुनिया, पूरा देश उनको सुनने पे ललायत है। तो आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सब मुझे नहीं, आज एनर्जी को सुन रहे हैं आप सब। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्पेशल थैंक्स करता हूं इस एनर्जी के प्लेटफॉर्म को, मिस्टर ओसीरे जी को मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद जिंदगी में बहुत सारे, हम जैसे बहुत सारे लोगों के जीवन में ये जो परिवर्तन आज जो आ रहा है वो शायद ये परिवर्तन नहीं आता। कोरोना काल के इस सिचुएशन में, कोरोना काल के सिचुएशन में जहां पे बड़ी बड़ी बिजनेस
इंडस्ट्री जो है आप सब देख रहे हैं लगातार न्यूज के माध्यम से सिस्टम्स के माध्यम से हम सब कंटिन्यू देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिजनेस प्रणाली ध्वस्त होती चली जा रही और इस ध्वस्त प्रणाली में लोगों को जीवन के सामने एक प्रश्न चिन्ह हो गया कि कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं कैसे जीव को उपार्जन करें। मतलब ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो गई हैं कि जीवन कैसे चलेगा। मतलब इतनी चिंतित हो गए हैं लोग। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर में बहुत गलत कदम भी उठा लिए परिवार के साथ। कई सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस टाइप से कंडीशन जनरेट होता है। ऐसी विषम परिस्थिति में कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ मार्च के पास आसपास में किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति जनरेट होगी और अचानक ऐसी परिस्थिति जनरेट हो गई। उससे पहले हम बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व थे बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे थे बड़ी बड़ी सेमिनार कर रहे थे हम सब और अचानक ऐसी परिस्थिति जनरेट हुई। तो इस परिस्थिति ये जब परिस्थिति जनरेट हुई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सब फोन के कॉल के माध्यम से आपस में एक दूसरे से चर्चाएं कर रहे थे हम सब। उसी बीच में कुछ समय गुजरने के बाद में जो जागृत अवस्था में जो लोग होते हैं स्पेशली मैं आज जो मीटिंग है इस मीटिंग के माध्यम से स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूं आदरणीय माननीय सुदेश मलिक साहब को। उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में जब चारों तरफ सन्नाटा हो गया तो उन्होंने अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। अपने आप को उन्होंने अपडेट किया और अपडेट करके जितने भी लोग थे उनको जूम के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास किया। और मैंने आप सबने देखा होगा जब शुरुआत में बिजनेस शुरू हुई जूम के माध्यम से मीटिंग शुरू हुई उस समय बहुत सारे लोग नहीं थे बिजनेस में मीटिंग्स में। लेकिन धीरे 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 जब सुदेश मलिक सर कंटिन्यू मीटिंग करते गए तो तमाम जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर से तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके कनेक्ट होते गए और कनेक्ट होते 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 उनका सभी लोगों का जो लगातार कनेक्टिविटी में बने रहे सबका नॉलेज लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा और सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से बेनिफिट लिया। कोई कम लिया कोई ज्यादा लिया लेकिन बहुत जबरदस्त बेनिफिट सभी ने लिया। तो स्पेशल थैंक्स जूम के माध्यम से सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए आदरणीय सुदेश मलिक सर को। उसके बाद में सुदेश मलिक सर के साथ में तमाम लीडर्स ऑल लीडर्स पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी लीडर्स सभी लोगों ने जो सहभागिता निभाई मीटिंग से माध्यम से स्पेशल मैंने देखा बहुत सारे लीडर्स जैसे शैलेंद्र तिवारी सर हो गए प्रशांत सर हो गए सतपाल सागर जी हो गए लोरकर जी हो गए ऐसे तमाम लीडर्स जिन्होंने आके सहभागिता निभाई और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर की। जितने भी लीडर्स मैं बहुत सारे लोगों का नाम इस मंच से नहीं ले पा रहा हूं मैं लेकिन सभी लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा उस एक्सपीरियंस को जैसे 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 मीटिंग हमने देखा शुरुआत में जब मीटिंग चालू हुई तो ये ट्यूजडे का जो मीटिंग था उसमें पूरे बिजनेस को लेकर सर ने सेशन लेना चालू किया। थर्सडे की जो मीटिंग थी उसमें लीडर्स लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर में बातें हुई। संडे की जो मीटिंग है उसमें ओपन प्लान्स के ऊपर में बातें हुई। तो ये सब चीजों को लेके सभी चीजों को लेके जितनी भी बातें लगातार मीटिंग के माध्यम से चलती रही और उसमें जो सहभागिता हुई सभी लीडर्स लोगों की सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीजों को क्लियर किया गया तो सभी लोगों ने जितनी भी अपनी एक्सपीरियंस थी बिजनेस को लेके जितनी भी नॉलेज थी उसको लोगों के साथ में शेयर किया और जो शेयर लीडर्स लोगों ने किया उसके माध्यम से लोगों के जीवन में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आया। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूं मैं। हम जब बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे तो शुरुआती दौर पे बिजनेस में हम रायपुर दुर्ग भिलाई के अंदर में हम काम करना चालू किए थे। उस समय प्रशांत सर और हम स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस को। प्रशांत सर बीच बीच में कभी बिहार चले जाते थे कभी छत्तीसगढ़ आते थे कभी बिहार जाते थे कभी छत्तीसगढ़ आते थे। तो उसी दरमियान हमारे यहाँ बिजनेस में हमने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन बिजनेस में जो ग्रोथ आया सुदेश मलिक सर बीच में एक मीटिंग लेने आए शुरुआती दौर पर फर्स्ट मीटिंग थी मैग्नेटो मॉल में मीटिंग हुआ था और मॉल में हमने मीटिंग अटेंड किया वहां से जबरदस्त तरीके से बिजनेस में परिवर्तन आया। उसी बीच में शैलेंद्र तिवारी सर आए और शैलेंद्र तिवारी सर ने भी मीटिंग्स के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी। लेकिन उसी बीच में बिजनेस कैसे ग्रोथ करना चाहिए इस बात को लेकर प्रशांत सर ने जब शैलेंद्र तिवारी सर से एक बात बोली तो शैलेंद्र तिवारी सर ने उनको एक सिंपल से एक लाइन बोला कि जिस जगह में आपकी मीटिंग आपकी बिजनेस डेवलप हो रही है अपने आप को उस जगह में आप सेटल करिए। और उनकी वो जो एक लाइन थी लीडर्स लोगों की लाइन एक एक लाइन से कैसे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ये आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जहां पे आपकी बिजनेस चल रही है वहां पे अपने आप को सेटल करिए। और आप मानेंगे नहीं बिहार से लगातार आना जाना छोड़ के प्रशांत सर उस समय रायपुर में सेटल हुए और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो लीडर्स की बातों में एक एक लाइन से मतलब आप जब लीडर्स जब किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं बताते हैं उस समय वो बातें नॉर्मल में लोग सुनते रहते हैं बातें आई गई हो जाती है लेकिन कौन सा बात
कब किसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला जाएगा, ले आएगा, ये लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन वाकई में जीवन में परिवर्तन आती है, कौन सी लाइन किसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है ये हम नहीं जानते। एक दूसरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस समय बिजनेस में हम आ रहे थे, बिजनेस डेमोस्ट्रेशन और ये सब चीज देखने के बाद में 1.5 लाख की मशीन थी, हमको डिसीजन करना था, हम डिसीजन नहीं कर पा रहे थे कि लेना है नहीं लेना है। उसी बीच में हम सबके जिनको देख के हम बिजनेस में आए, मिस्टर युगल किशोर प्रधान साहब ने बोला कि गजेंद्र साहब, प्रशांत जी, आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, आप जो काम करते हैं वो काम करते रहिए। इस बिजनेस में सीख से जाने के लिए जो 100 मशीन की जरूरत पड़ती है, वो 100 मशीन मैं आप लोगों के नीचे करके दूंगा। देखिए, इनका बोलना वो एक लाइन, उन्होंने कितना करके दिया नहीं दिया वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो एक लाइन जो उन्होंने बोली कि मैं आपके जीवन में ये 100 मशीन करके दूंगा करके, उनके बोलने की वजह से, उनके वर्ड की वजह से हम इस बिजनेस में आए, और आने के बाद में सिक्से तक भी पहुंचे, 100 मशीन भी हुआ, और आज बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे बिजनेस और पूरा जो प्रणाली है, पूरा सिस्टम जो है हमारे लिए काम कर रहा है, पूरे देश में हमारा बिजनेस डेवलप होते जा रहा है। तो ये लीडर्स लोगों के कहने से जो बिजनेस में परिवर्तन आता है, वो बिल्कुल परिवर्तन आता है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं स्पेशली बात करूंगा परिवर्तन को लेके, जिस प्रकार से हम सब ने देखा कि पुराने समय में लेन देन की जो प्रक्रिया थी, लोग बार्टर सिस्टम जिसको बोला जाता था, लोग किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है, लोग एक दूसरे को एक्सचेंज किया करते थे, सामानों को लेन देन के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। धीरे 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 करके जब मुगल का शासन आया हिंदुस्तान के अंदर में, उन्होंने चमड़े के टुकड़े जो है उस समय करेंसी के रूप में उसको चलाते थे, चमड़े के टुकड़े के माध्यम से लेन देन की शुरुआत की। उसके बाद में बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, जैसे बोलते हैं कौड़ी, एक होता है कौड़ी करके, कौड़ी के माध्यम से लोगों चीजों को लेन देन होती थी। उसके बाद में फिर आगे प्रणाली बढ़ती गई, जब अंग्रेज आए तो सिक्कों के माध्यम से लेन देन शुरुआत किया। उस समय महंगे महंगे मेटल के सिक्के हुआ करते थे, तो सिक्कों के माध्यम से लेन देन की शुरुआत हुई। उसके बाद में फिर नोट आया, और नोट के बाद में कागज की करेंसी आई, और अभी आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके हम प्लास्टिक्स में कन्वर्ट हो गए, एटीएम कार्ड्स में, और उसके बाद में अभी आगे आने वाले समय में जो परिवर्तन है वो वर्चुअल में कन्वर्ट होते जा रहा है। हम लेन देन की प्रक्रियाओं को पूरा ऑनलाइन डिजिटल रूप से करने लगे, तो ये एक परिवर्तन है जो कंटिन्यू चलते रहता है। उसी प्रकार व्यापारिक जो प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन आया। पहले छोटे छोटे हाट बाजार के माध्यम से सिस्टम चलता था, बाजारों में लोग अपने जरूरत की चीजों को लेने जाते थे। आज भी बाजार होता है, सब्जी भाजी के बाजार हम सब देखते रहते हैं। तो पहले पूरी चीजों का जो लेन देन होता था वो बाजार के माध्यम से होता था। उसके बाद में फिर धीरे 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 करके छोटे छोटे दुकानों में कन्वर्ट हुआ, फिर छोटे छोटे दुकानों के माध्यम से बड़े बड़े शोरूम्स में कन्वर्ट हुए। अभी आप देख रहे हैं बिजनेस की प्रणाली जो है वो मॉल्स के माध्यम से कन्वर्ट हो गया, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट सिस्टम, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ गई मार्केट में, और व्यापार की प्रणालियां बदल गई। तो उसी प्रणाली में बदलते बदलते ट्रेडिशनल जो व्यापार की जो प्रणाली है उससे हम आगे बढ़ते 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 धीरे धीरे करके हमने डायरेक्ट सेलिंग तक का ये सफर शुरुआत किया है। तो एनर्जिक जो कंपनी है एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हिसाब से हम सब लोगों को अपने जीवन में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने वर्किंग स्टाइल में, सब चीजों में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है, ताकि इसकी ये काम की जो प्रणाली है उस प्रणाली के आधार पर ही हमको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो वर्चुअल जो कंडीशन जो जिसको बोला जा सकता है आभासी तरीके से चीजों को हम आगे जो है चलेंगे। अभी देखो काम करने की जो प्रणाली थी हमारी बिजनेस में, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग में जिस तरीके से काम कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े प्रोग्राम्स, बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता था, कई सारी मीटिंग ऐसी होती थी कि बड़े बड़े स्टेडियम्स में हुआ करती थी, हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती थी, स्पीकर बोलते थे, लोग मोटिवेट होते थे और काम करते थे। लेकिन देखो आप कितना बड़ा परिवर्तन आया जब से ये कोरोना वाली जो स्थिति बनी, उसमें आज आप सब देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से परिवर्तन आ गया कि एक जगह में बैठ के, ये भी जो परिवर्तन है इसको स्वीकार, आज अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हम बिजनेस में पीछे हो सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को भी आज हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रॉपर वे में चीजों को समझते हुए जो प्रणालियों में बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि बाहर घर से बाहर निकलना मुश्किल है, और उसके बाद में भी आपको बिजनेस करना है, परिवार को चलाना है, आगे ग्रोथ करना है, आपके सपने पूरे करने हैं। तो जूम के माध्यम से जो सिस्टम जनरेट हो रहा है, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है उनको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं ये भी एक आभासी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल एक बिजनेस प्लेटफॉर्म की तरह ये जनरेट हो रहा है, और इसको हम सबको अडॉप्ट करना चाहिए। सभी नेटवर्कर जो लोग हैं, सभी जो इस बिजनेस में जो आ रहे हैं
और जो आगे ग्रोथ करना चाहते हैं उनको इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा एरेसिक का जो मशीन है जो अलग अलग पीएच में पानी को बदल के देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देता है, क्लाइन प्रॉपर्टी भी देता है, माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी भी देता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन में चीजों मशीन को लेने के बाद बीपी है, शुगर, अर्थराइटिस है, कैंसर है, अलग अलग चीजों से लोग ग्रसित हैं। प्रॉब्लम्स तो है दुनिया में और रहेंगी भी, क्योंकि हमारा रहन सहन खान पान की स्थितियां वैसी है, प्रॉब्लम्स तो है। लेकिन अकेले पानी कुछ नहीं करने वाला, पानी के साथ साथ में आपके अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में जीवन में सपनों को पूर्ण करने के लिए जो बदलाव है उनको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो प्लेटफॉर्म वर्चुअल तरीके से, अगर हम बोल सके, जो प्लेटफॉर्म सुदेश मलिक साहब ने जूम के माध्यम से हम सबको दिया है, वो प्लेटफॉर्म को हम सबको धीरे धीरे करके अपनाना पड़ेगा और आगे हमको ग्रोथ करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ते हुए छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। 1973 का मेरा बर्थ है, 1973 में मेरी जन्म है नवंबर के महीने में, और 1974 में एनर्जी कंपनी की शुरुआत है। मतलब सबसे पहली मशीन जो है वो 1974 में, जैसे हम बताते हैं स्टोरी में, 1974 में मशीन बनी। 1973 में जन्म के बाद से लेके जैसे तैसे मैंने पढ़ाई पूरा किया, 12th कंप्लीट किया मैथ्स के बाद में। उसके बाद पढ़ाई के दरमियान मैंने मार बहुत खाया, मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने बीए फर्स्ट ईयर किया। बीए फर्स्ट ईयर करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार मार खाने से अच्छा है ये सब चीज को छोड़ो, कैसे भी करके जीवन में पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज रहता है कि आगे हमको जीवन में कुछ काम करने हैं। तो मैं 1992 के आसपास में, 91-92 में मैंने 12th कंप्लीट किया, 92 के आसपास में मैंने काम करना चालू किया। जिस समय काम करने चालू किया, मुझे लगभग ऐसा लगता है कि उसी दरमियान जो है एनर्जिक जो है वो कमर्शियल रूप से पूरे वर्ल्ड के अंदर में लॉन्च हो रही थी। और मैं ये स्टोरी इसलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे सिमिलर चीजें चलती रहती है और वो उसका कितना बड़ा आगे हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। तो 92 के आसपास में मैंने काम करना चालू किया। जिस समय मैंने काम शुरुआत किया, यहाँ पे जहाँ पे भिलाई में मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक डिस्पोजल स्टोर है भिलाई स्टील प्लांट का, वहां पे 600 रुपए की सैलरी थी महीने भर की। और 600 रुपए की सैलरी में सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का मेरा वर्क हुआ करता था। 2 साल मैंने इस काम को किया। 2 साल इस काम को करने के बाद में कुछ ऐसे जिंदगी में उठापटक हुए, उथल पुथल मच गई पूरे जीवन में और बहुत बेग चले गया मैं। लगभग 4-5 साल लगातार कुछ ऐसी घटनाएं घटी जीवन में, तो पीछे चले गया 4-5 साल, उस स्ट्रगल से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद में 1996 के आसपास मेरे जीवन में फिर से मैंने अपनी लाइफ में पदार्पण किया, काम करना चालू किया। फिर मैंने एक ब्रेड की कंपनी, एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर था उसके पास में काम करना चालू किया। 1000 रुपए की सैलरी वो दिया करते थे मुझे, 1000 रुपीज की सैलरी थी। और मुझे ऑटो के माध्यम से, उस समय उन्होंने मुझे 3-व्हीलर दिया था, ऑटो के माध्यम से मुझे दुकानों में जाके भिलाई के अंदर में पूरी जितने भी काउंटर्स है, लगभग 150 से 200 काउंटर्स में मैं ब्रेड की सप्लाई किया करता था। और उसके बदले में मुझे एक महीने की जो सैलरी थी वो लगभग मुझे 1000 रुपए कंपनी जो है वो दिया करती थी। काम करते रहे, चूंकि काम में मजा आता था, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता था, एक नई चीजें थी और अपने खर्चे के लिए, उसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज थी नहीं, तो अपने खर्चे के लिए पैसे मिल जाया करते थे, जीवन चल रहा था। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए। लगभग 98 के आसपास में मुझे कंपनी में बुलावा आया, जिस ब्रेड कंपनी में मैं डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे काम करता था, वो ब्रेड कंपनी में काम आया कि आपका काम अच्छा है, बुलावा आया कि आपका काम अच्छा है और आप कंपनी के लिए काम करेंगे क्या, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर। तो उन्होंने मुझे बुलाया और 2500 की शुरुआत सैलरी से मुझे वहां पे काम मिल गया। तो मैं बोला चलो 1000 रुपए से 2500 बढ़िया है, और आगे काम करते चले गए। धीरे 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 करके बढ़ते चले गए। 2002 दिसंबर में जब मेरी शादी हुई, उस समय तक मेरी सैलरी कंपनी में, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो लगभग 18 से 20 हजार तक की सैलरी मुझे मिली। और जिस समय शादी हुई मेरी, उसी दरमियान मेरा सबसे पहला पाला पड़ा नेटवर्क मार्केटिंग से। उसी दरमियान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानने को मिला। सबसे पहली जो कंपनी थी मुंबई से, हिंदुस्तान की कंपनी थी, भारत की कंपनी थी, मुंबई से शुरुआत हुई थी, स्वदेशी मार्केटिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग कंपनी। 1.5% 2% कमीशन के हिसाब से उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में उसमें बिजनेस जनरेट करना हुआ करता था। बहुत मेहनत की, एजुकेशन तो बहुत मिला उस बिजनेस में, सीखने को बहुत मिला, क्योंकि बहुत नीचे स्तर से हम उठ के आए थे ऊपर, तो सीखने को बहुत मिला। लेकिन
जो जिंदगी में सपने थे उस कंपनी ने सपने दिखाए। सपने भी कोई चीज होते हैं जिंदगी में पूरा करने के लिए, बड़े रकम कमाने के लिए। तो सपनों के ऊपर में जो बातचीत जो हुई वो उस कंपनी ने सिखाया, और लेकिन जो चीज चाहिए था वो उस बिजनेस के माध्यम से मिल नहीं पाया। 3-4 साल सतत मेहनत करने के बाद, जॉब करते हुए उसमें मेहनत करते रहे, लेकिन जो जिंदगी में चाहिए था वो मिल नहीं पाया। जब वो मिल नहीं पाया तो ऐसा लगा कि यार ये सब चीजें जो है वो बोलने की है, इससे ये सब चीजें जो है पूरी होती नहीं। फिर वापस अपनी दुनिया में ब्रेड के काम में लगातार लगे रहे, पूरी छत्तीसगढ़ में घूमते रहे, लोगों को ब्रेड के बारे में बताते रहे, काम चलते रहा चलते रहा चलते रहा। ऐसा करते करते 2010 में एक कंपनी आई जो कि भारत की कंपनी थी, जिसमें ये जो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं युगल किशोर प्रधान साहब, मिस्टर मोहंती जी, ये सब बहुत बड़े टॉप लीडर्स थे जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से करोड़ों रुपए कमा चुके थे। तो इन सब को देख के मुझे इस बिजनेस के बारे में जैसे जानकारी मिली, तो मैंने जाके बिजनेस को ज्वाइन किया। ट्यूलिप ग्लोबल करके कंपनी थी, राजस्थान की कंपनी थी, मैंने बिजनेस को जाके ज्वाइन किया। जाके ज्वाइन करने के बाद में मैंने इस काम को करना शुरू किया। लेवल प्लान था, 14 लेवल तक का प्लान था, 1 से स्टार्ट होता था। मैंने काम को शुरू किया, चलते 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 कुछ समय, साल भर काम करने के बाद में उसमें 12 लेवल तक मैं पहुंचा था। उसी दरमियान, जैसे कि आप जानते हैं, भारत के अंदर में रूल रेगुलेशन को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इंडियन कंपनी थी, कंपनी बंद हो गई, और कंपनी बंद हुई थी फिर एक बार सपना टूट गया, सपना फिर बिगड़ गया। सिर्फ 2 लेवल बचे हुए थे और कंपनी जैसे बंद हुई फिर ये सपना टूट गया। बड़ा तकलीफ हुआ, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। उसी दरमियान हम सब लोगों का परिचय हुआ, प्रशांत सर से हमारी परिचय हुई, प्रधान सर से हमारी परिचय हुई, मोहंती जी को हम जानते थे, ऐसे करके सब तमाम लीडर्स लोगों के बारे में एक दूसरे से परिचय हुआ। क्या करें, उसी दरमियान अचानक प्रधान जी का एक दिन फोन आया, बोले एक बहुत जबरदस्त बिजनेस प्रणाली आई है, एनेजिक करके कंपनी है, जापान की टेक्नोलॉजी है। उन्होंने रेट नहीं बताया कितने की मशीन है, बोले बहुत यूनिक तरीके से मशीन काम करती है और इसमें जीवन बदल जाएगा पूरा। वो देख के आए थे, उन्होंने वो एक्सपीरियंस करके गए थे नागपुर से शैलेंद्र तिवारी सर के साथ में मिलके। उन्होंने अपने तरह से पूरी चीजों को रखने का हमारे सामने प्रयास किया। उस समय तक उनको हम हाँ ना करके घुमाते रहे। लगभग ये पूरे प्रोसेस में 4-6 महीने गुजर गए, और इस 4-6 महीने के दरमियान उनको हाँ हाँ करते करते रहे। फिर ऐसा लगा कि यार जब बोल रहे हैं तो देखना चाहिए, प्रधान सर बोल रहे हैं तो देखना चाहिए, क्योंकि उनकी उनका हम बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, बड़े सीनियर लीडर्स थे, उनका स्पीच बोलने का तरीका जो था हमको बहुत प्रभावी लगता था, तो सुनते थे बातों को। तो उन्होंने बोला कि यार एक बार देखो चीजों को, बहुत बढ़िया है, आगे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। हमने देखा तो बड़ा चमत्कारिक तरीके से प्रेजेंटेशन को जब हमने देखा, एनर्जिक के डेमोन्स्ट्रेशन को जब देखा तो बड़ा चमत्कार लगा कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर हम मशीन खरीदे, बिजनेस में आए, धीरे धीरे करके हम शुरुआत कर लिए। लेकिन वही थी कि शुरुआत में क्या होता है, चीजों को देखना, समझना और आगे बढ़ना, लेकिन हम समझे नहीं, हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करना शुरू किया लेकिन क्या हुआ कि हम पुराने चीजें थी हमारी, जो पुरानी चीजें थी जिनके माध्यम से छोटे मोटे कुछ कुछ इनकम आ रहे थे, उनको छोड़ नहीं पा रहे थे हम। और हम उस दरमियान, मैं और प्रशांत सर बिजनेस में आने के बाद, मशीन खरीद लेने के बाद, एक्सपीरियंस कर लिए, बेहतर रिजल्ट है, उसके बाद में भी छोटी छोटी दूसरी कंपनियों के साथ भी लगे रहे, कभी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, कभी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, कभी उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मशीन खरीदने के बाद, बेंगलोर ऑफिस कंपनी का देख चुकने के बाद में भी हम सब, हाँ, प्रशांत सर और मैं स्पेशल उस बात को रखूंगा मैं, कि 3-4 महीने तक हमने समय वेस्ट करते रहे लेकिन काम भी करते रहे। ऐसा नहीं कि हम एनर्जिक में काम नहीं करते, काम भी करते रहे, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि ये स्पेशल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो स्पेशल कैटेगरी में ही बिकेगा। नॉर्मल लेवल पे छोटे लोगों के साथ में नेटवर्क अगर बनाना है तो छोटे छोटे कुछ और जो कंपनियों हैं उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसा करके 3-4 कंपनी, देखो मैं आज जो अपना टॉपिक रखा हूं, माई मिस्टेक्स, तो हमारी सबसे पहली जो गलती थी, हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक थी वो ये थी कि हम एनर्जिक जैसे प्लेटफॉर्म में आने के बाद में भी छोटी छोटी कंपनियों का सहारा ले रहे थे अपने जीवन में उत्थान हो सकता है करके, जो कि शायद संभव नहीं था। और इन परिस्थितियों से गुजरते हुए जब समय वेस्ट होने लगा, 3-4 कंपनियां, एक कंपनी तो ऐसी थी जिसमें आज हमने सुबह ज्वाइन किया, शाम तक कंपनी बंद हो गई। आप सब जानते हैं ये सब चीज भारत के अंदर में बहुत चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, बहुत सारे मित्र हैं जो एनर्जी की मशीन ले चुके रहते हैं और गलतियां करते हैं। तो ये हमारी गलती थी, हमारी गलतियों से अगर आपको सीख मिलता है और परिवर्तन कर सकते हैं तो बेशक आज आपके लिए एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। क्योंकि समय अगर जो समय गुजर जाता है उस समय को आप वापस नहीं ला सकते, और ये समय आपको बहुत पीछे लेके चले जाता है।
तो अपने अगर छोटे मोटे किसी चीज में लगे होंगे, अगर आप एनर्जिक में आ चुके हैं, तो सबसे पहले अपने आपको पूर्ण रूप से एनर्जिक के बारे में डिटेल में जाइए और परिवर्तन कीजिए। दूसरा, लीडर्स का जो स्पीच है, लीडर्स लोगों की जो बातें हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, ये बात 100% श्योर है। और कभी कभी अगर वो बातें जो रखी गई हमारे सामने में, उसका प्रेजेंटेशन कुछ गलत तरीके से हो गया, तो वो गलत तरीके ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला देता है, हो सकता है वो डाउनफॉल में चले जाए। बिजनेस की जब हम शुरुआत कर रहे थे उस समय, क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म से आए थे जो बाइनरी प्लान था, दो लेग के ऊपर में चलती थी बिजनेस जो है, तो जैसे हम बिजनेस में आए उस समय प्रधान साहब हमारे सीनियर लीडर थे, प्रधान साहब ने हमको सब चीज बताया, उन्हीं के माध्यम से हम बिजनेस में जब आए तो उन्होंने बोला, यार ये जापानी ट्यूलिप है, ट्यूलिप जो कंपनी जिसकी मैं नाम ले रहा हूँ, वो दो लेग का प्लान था, उसमें सब काम कर रहे थे, बड़े बड़े इनकम लोगों ने जनरेट किए, उन्होंने बोला जापानी ट्यूलिप है, दो लेग का प्लान है। जैसे उन्होंने ये बात हमारे सामने रखा, हमको ऐसा लगा कि यार उसी तरीके से काम करना है, और हम काम करना शुरू किए। देखिए मैं माई मिस्टेक्स जो आज टॉपिक दिया उसके ऊपर मैं बहुत स्पेशल आपको चीज जो बताने जा रहा हूं, प्रधान सर के कहने के ऊपर में जो बातें हमने शुरुआत की बिजनेस को, हमने देखा नहीं प्लान कैसा है, कभी उसको अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। और चूंकि प्रशांत सर मेरे डायरेक्ट सीनियर अपलाइन में से थे, वो भी बाहर थे, बिहार में थे, तो कभी आते थे, चलते थे, मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, काम करते थे, फिर निकल जाते थे। वो तो सिचुएशन जो था वो ऐसा था कि प्रधान सर ने बोला ये दो लेग का प्लान है, इसमें काम करना है, हमने काम करना शुरू किया। और जैसे ही हमने काम करना शुरू किया तो शुरुआत मेरी हुई नागपुर से, सीनियर्स लोगों के माध्यम से एक दो आईडी जो है नागपुर में जनरेट हुई मेरे नंबर के नीचे में। और नागपुर जैसे शुरुआत हुई, मुझे ऐसा लगा कि यार दो लेग का प्लान अगर इस तरीके से लेके चलना है तो क्यों ना एक लाइन जो है हम छत्तीसगढ़ को बनाते हैं। मेरी जितनी पूरी टीम थी, मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर में बिजनेस को शुरुआत किया। उसी दरमियान जब हमने बिजनेस की शुरुआत की, दो तीन आईडी जनरेट हुई थी, उस समय बहुत सारा ज्यादा लोग नहीं थे, एक तरफ से नागपुर शुरुआत हुआ और एक तरफ से छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई बिजनेस की। जैसे बिजनेस में छत्तीसगढ़ में बिजनेस की शुरुआत हुई, उसी समय पदार्पण हुआ, क्योंकि हम सुदेश मलिक सर को उस समय तक तो जानते नहीं थे, बिजनेस में कौन कौन हमारे सीनियर लीडर से किसी के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उसी बीच में मलिक सर का आगमन हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर में। और छत्तीसगढ़ में जैसे ही मलिक सर आए, तो आप सबने देखा होगा जिन लोगों ने मलिक सर का प्रोग्राम डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया, आप सब जानते हैं कि उनका एक्साइटमेंट किस कदर रहता है। मैग्नेटो मॉल में जैसे ही मलिक सर दौड़ते हुए प्रोग्राम हॉल के अंदर एंटर किए, तो जितने लोग हॉल में बैठे हुए थे, मेरे जीवन का पहला एक्सपीरियंस था कि कभी कोई लीडर किसी मीटिंग में इस तरीके से भी एंटर कर सकता है। अद्भुत थे, अचंभित थे हम, और जबरदस्त तरीके से ये बिजनेस की शुरुआत हो रही थी, उनका एक्साइटमेंट देख दिन जस्ट वो प्रोग्राम मलिक सर का जो प्रोग्राम था वो होटल बेबीलोन में भी था, होटल बेबीलोन में भी प्रोग्राम अटेंड किया, जितने भी अपने जान पहचान दोस्त यार रिश्तेदार थे सबको हमने इनवाइट किया, उसमें से कुछ लोग आ पाए कुछ लोग नहीं आ पाए। जितने लोग आए उस मीटिंग में सभी लोग बिजनेस में रजिस्टर्ड हुए मेरे माध्यम से। उस प्रोग्राम के बाद में लगभग 15 से 16 आईडी जनरेट हुई, ज्यादातर उसमें मशीनें बिकी थी, SD501 2,77,000 की मशीन उसमें लगी, सबसे ज्यादा मशीनें लगी, क्योंकि एक्साइटमेंट देखे सब लोगों ने सुदेश मलिक सर का। और मैं आपको बताऊं जो मिस्टेक हुआ, सबसे बड़ी जो मेरी गलती हुई वहां पे, ये हुई कि मैंने नागपुर बिजनेस स्टार्ट हुआ करके जितनी भी मेरी आईडी थी पूरी, मैंने पूरी की पूरी आईडी एक लाइन में जनरेट कर दी, एक सीरे में एक लाइन में जनरेट कर दी, 15 से 16 आईडी जो है एक लाइन में जनरेट कर दी। और जैसे ही वो 15-16 मैंने एक आईडी जनरेट कर दी, पैसा तो ऐसा है कि इसमें एक सिंगल लाइन में भी आईडी जनरेट होती तो इनकम जनरेट होता है, पैसा आते रहा। फिर हम उसमें काम में लगे छत्तीसगढ़ के अंदर में हम वर्किंग करना चालू कर दिए, और हम मैं देख रहा हूँ कि अब नागपुर में जो मेरी बिजनेस लाइन थी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, शुरू नहीं हो रही, 4-6 मशीनों के बाद में रुक गई। और छत्तीसगढ़ में बिजनेस बूम हो गया, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्रभाव अगर थोड़ा सा भी इनकम जनरेट होता तो यहाँ के लोग धूम तरीके से काम करना शुरू कर देते थे। यहाँ पे सभी लीडर्स जो आपस में मिलके काम करना चालू किए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ सबसे बड़ा, जो एक लाइन में मैंने बिजनेस जनरेट किया था, 35-40 मशीन जनरेट होने के बाद में बिजनेस में 8-point कंपनसेशन प्लान जिसके ऊपर में हमने बिल्कुल भी अध्ययन नहीं किया, और मशीनें जो है हमारे नंबर के नीचे से बाहर होना चालू हो गया। अब आप समझ के देखिए, किसी व्यक्ति के नंबर के नीचे बिजनेस शुरुआत हुई और मशीनें बाहर होनी चालू हो गई,
एट पॉइंट कंपनसेशन प्लान में आप सबको पता है कि एट पॉइंट से जब बाहर जब तक आप सिक्स से नहीं हुए हैं तब तक एट पॉइंट के बाहर जब बिजनेस चले जाता है तो आपको उसका कमीशन मिलना बंद हो जाता है, वो कमीशन जो है मिलना बंद हो गया। फिर मैंने पूरे सिचुएशन को भापा, देखा क्या प्रॉब्लम है, कहां से सिचुएशन, फिर मैंने प्लान को थोड़ा सा अध्ययन किया, फिर मैंने दूसरी लाइन चालू करने की कोशिश की, तीसरी लाइन चालू करने की कोशिश की, चौथी लाइन चालू करने की कोशिश की, कुछ आइडिया जनरेट किए, उसमें से दूसरी लाइन भी हमने शुरुआत की, धीरे धीरे करके चलते गए। लेकिन चूंकि जो शुरुआती जो गलतियां होती है उसको भरपाई करने में फिर समय लगता है, क्योंकि आपके अंदर में उन सब चीजों का एक जो प्रभाव होता है, जो नुकसान होने का प्रभाव होता है वो तो होता है। तो उस दरमियान जो चीजें हुई बिजनेस में, हम आगे बढ़ते चले गए, इसका नुकसान ये हुआ, सबसे बड़ा जो मिस्टेक हुआ कि मुझसे पहले मेरी डाउनलाइन सिक्स से गई, मुझसे पहले मेरी डाउनलाइन जब सिक्स से गई, ये खुशी की बात है, गौरव की बात है, ये जाना चाहिए, ग्रोथ करे पूरे लोग बिजनेस में। लेकिन क्योंकि बिजनेस की आप जब शुरुआत करते हैं और ग्रुप में नीचे के लीडर्स जब आपको क्रॉस करते हैं तो कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो इनकम की प्रणाली कुछ ऐसी बनी हुई है जिसमें से कुछ इनकम के जो सोर्सेस होते हैं वो आपसे कट जाते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो स्टेप अप जो बोनस होता है वो इनकम जो है मेरे नंबर से कट गई। पहला तो नुकसान ये हुआ कि 8 पॉइंट से बाहर बिजनेस निकल गया। दूसरा जो नुकसान हुआ कि स्टेप अप जो बोनस होता है वो इनकम कट गई। और उस तरीके से बहुत सारे जो इनकम के जो सोर्सेस थे सिक्स होने के बाद में, मेहनत करके हम कैसे भी करके साइड में बिजनेस जनरेट करके सिक्स से तो निकाल लिए, लेकिन जो नुकसान लगा वो नुकसान जो है उसकी भरपाई जो है वो करने में बहुत समय अभी आगे लगेगा और वो भरपाई होने में बहुत समय लगता भी है, क्योंकि आपका बिजनेस एक तरह से अगर बड़ा हो गया एक तरफ से तो दूसरे तरफ से कवर करने में आपको समय लगता है, वो समय जो है वो लग रहा है, वो समय हम ले रहे हैं और धीरे धीरे करके बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। दूसरा जो मिस्टेक हुआ उसमें जो सबसे पहले जो मिस्टेक मैंने बताया कि अदर कंपनी में हम बिजनेस में आने के बाद में लगे रहे, दूसरा जो है हमारी आईडी जनरेट करने के तरीके जो थे, हमने अपनी डायरेक्ट आईडी भी सब नीचे जनरेट करके जो गलतियां कर दी, तीसरा जो है उस आईडी को जनरेट करने की वजह से जो नीचे जो लोग लगे, कई सारे लोग हमारे माध्यम से जो हमको देख के पैसे दिए थे वो नीचे नीचे जाके बिजनेस में लग गए, और नीचे जाके जब बिजनेस में लगे तो नुकसान ये हुआ चूंकि हमको देख के बिजनेस में आए थे तो हम उनको डायरेक्ट, चूंकि 8 पॉइंट से बिजनेस बाहर निकलने लगा तो डायरेक्ट हम उनको मदद नहीं कर पाए। तो कई सारे लोगों को इस बात की नाराजगी भी है कि सर हमको बिजनेस में ला दिए और आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोगों के साथ में भी एक बड़ा नुकसान हो जाता है। और सिक्सेस का जो सिक्स से होने का जो नुकसान हुआ, सिक्स से तो हो गए हम, लेकिन सिक्स से होने के साथ साथ में आपको बताऊं मैं कि चूंकि पहली लाइन से 8 पॉइंट से बिजनेस बाहर था, दूसरी लाइन भी जो मैंने शुरुआत किया डोगरी आईडी लगा के एक बिजनेस की शुरुआत की, मैंने दूसरी लाइन में भी, दूसरी लाइन का भी सिचुएशन ऐसा बना कि वहां से बिजनेस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीचे नीचे जाते जाते दूसरी लाइन भी 8 पॉइंट से बाहर निकल गई। काम इस तरीके से शुरू हुआ कि वो भी 8 पॉइंट के बाहर निकल गया। जिस समय आप सिक्स से होते हैं, सिक्स से होने के समय आपको टाइटल बोनस लेने के लिए 10 मशीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, दोनों लाइन से बिजनेस 8 पॉइंट के बाहर होने की वजह से आप बिलीव नहीं करेंगे, पहला महीना भी गुजर गया जिसमें 10 मशीन नहीं हुई, दूसरा महीना गुजर गया जो उसमें प्लस करके 15 करना था वो भी नहीं हुआ, और तीसरा महीना भी गुजर गया जिसमें प्लस करके मुझे 20 करना था वो भी नहीं हुआ। तीनों महीने गुजर गए और ये तीनों महीने गुजरने की वजह से जो मुझे टाइटल बोनस मिलना था वो भी जनरेट नहीं हो पाया। तो एक गलती का खामियाजा जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को भुगतना पड़ता है। ये मेरे साथ हुआ है। आज मैं स्पेशली आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग जूम के माध्यम से और अदर बिजनेस के प्रभाव से, मशीन के प्रभाव से, चूंकि मशीन चमत्कार है पूरा, तो एक्साइटमेंट में हम आ जाते हैं, चीजों को देख नहीं पाते हैं, तो ये बड़ा लोगों को जीवन में सहना पड़ता है। तो ये मिस्टेक्स जो है, ये जो मिस्टेक्स ना हो इसके लिए आप सब लोगों को सचेत रहना चाहिए। सबसे पहली बात, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है इस बिजनेस में आने के बाद जो गलतियां मुझसे हुई उसके हिसाब से आज सभी जो जूम में हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से चीजों को देख रहे हैं और जो चाहते हैं कैरियर बनाए इस बिजनेस में, तो सबसे पहला मेरा आप लोगों के साथ में जो बातें रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले आप अपनी कंपनी को जाने। एनर्जिक ये कंपनी क्या है, ये कंपनी कितने साल से काम कर रही है, इनके ऑनर कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में मैं छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा।
जिस समय सुदेश मलिक सर बिजनेस में आए, जैसे मैंने सुना सुदेश मलिक सर के बारे में, सुदेश मलिक सर बिजनेस में आए, बिजनेस में आने के बाद में जैसे उनके नंबर के नीचे लगभग 9-10 मशीनें हुई थी, 3A लगभग पहुंचे थे, और सुदेश मलिक सर इस पूरी कंपनी, चूंकि वो अपना जीवन दे रहे थे इसमें, अपना समय दे रहे थे और जीवन में कुछ करना चाहते थे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म के तौर पे उन्होंने देख रहे थे, तो पूरी कंपनी को समझने के लिए वो जापान तक चले गए, जैसे मैंने उनके बारे में सुना है, वो जापान तक चले गए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम सबको जापान तक जाना चाहिए, लेकिन चूंकि बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है आज के वर्तमान समय में बिजनेस को डेवलप करना है अगर आपको, तो सबसे पहले हमको अपनी कंपनी के बारे में जानना चाहिए। दूसरा जो बात है वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है, कंपनी को जानना, क्योंकि कंपनी को एक बार जानेंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है तो वो आपके साथ जीवन भर रहेगा, उतना ही जानना है आपको, तो एक ही बार जानना है उसको। और दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट, तो कंपनी में गिने चुने अभी 5-6 प्रोडक्ट्स हमारे पास में है और इन प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी एक बार जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, पूरी डिटेल जानकारी आप जब ले लेते हैं, तो किसी प्रकार की गलती जो है वो होने की संभावना जो है वो आपके साथ में नहीं होती है, जो गलतियां हमने की। तो प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल आपको समझना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल जानना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों के पास में लेके जा रहे हैं। जब आपके पास में इस चीज का डिटेल होता है तो लोगों को फेस करना, लोगों को सामने चीजों को प्रेजेंट करना, ये आप सबके लिए आसान हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो कैरियर के रूप में इस बिजनेस में आ रहे हैं उनके लिए, पहला जो चीज मैंने बोला कंपनी, दूसरा मैंने बोला प्रोडक्ट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है इनकम का प्लान। ये इनकम का प्लान हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये इनकम प्लान एक स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये इनकम का प्लान कंपनी ने जो डिजाइन किया हुआ पेटेंटेड प्लान है और ये हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कंपनी ने जो 8-point कंपनसेशन प्लान बनाया, आपने प्लान को जितने भी लोग देखे होंगे आज मीटिंग में हैं, सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कंपनी में दो तरीके के प्लान है। एट पॉइंट कंपनसेशन प्लान है जो 6 तक चलता है, जब आप 6 हो जाते हैं तो आपके लिए पूरा बिजनेस प्लान चेंज हो चुका होता है और आप 6 प्लान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोनों प्लान की खूबसूरती अलग अलग है और दोनों प्लान को बहुत बारीकी से समझना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि ये प्लान मेरे जीवन में किस तरीके से काम करेगा। जैसे इस प्लान के बारे में मिस्टर हमारे आदरणीय गुरु जिनको हम बोलते हैं सब सुदेश मलिक साहब बताते हैं कि ये प्लान को सबको 5 पांडव के हिसाब से लेके काम करना चाहिए। नो डाउट जितनी ले के हिसाब से आप काम करेंगे तो जो प्रॉब्लम मेरे साथ में आया वो प्रॉब्लम आपको जनरेट नहीं होगा, सर का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपकी कैपेसिटी वैसी है, क्या आप वो 5 लाइन को डेवलप करने के लिए तैयार हैं, क्या वो 5 लाइन को डेवलप करने के लिए जो समय देने की जरूरत है वो सब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो वो 5 पांडव वाला जो फॉर्मूला है सर जो बोलते हैं वो 100% आपके लिए काम करेगा, लेकिन आप उसके लिए डेडिकेट नहीं है, आप उसमें समय देने के लिए तैयार नहीं है, तो वो फॉर्मूला आपके लिए काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। फिर आपको ऐसा लगा कि सुदेश मलिक सर जो बताते हैं वो तो काम ही नहीं कर रहा हमारे जीवन में, तो मलिक सर ने जो बताया वो टोटल जो है एक्सपीरियंस जिसके माध्यम से किसी प्रकार का किसी को नुकसान ना हो उस माध्यम से उन्होंने बताया और वो वाकई में लाजवाब है, उस माध्यम से काम करना चाहिए। कई सारी कंपनियां बोलती है नेटवर्क इंडस्ट्री में जैसा 4 wide 4 deep, आप 4 लाइन बिल्कुल स्पेशल तरीके से डिजाइन करिए और नीचे डेप्थ में 4 लीडर्स लोगों को पकड़ के काम करिए, तो 4 wide 4 deep एक फॉर्मूला होता है जिसके माध्यम से भी आप इस काम को कर सकते हैं। अभी जैसे कुछ समय से आपने देखा होगा टर्बो प्लान भी एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, तो टर्बो प्लान के माध्यम से भी चीजों को अगर आप देखेंगे समझेंगे वो भी एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप इस बिजनेस में बड़े पैमाने पर ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत कम समय में बड़ा अचीवमेंट जनरेट कर सकते हैं, बहुत कम समय में बड़ा अचीवमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको प्लान को बहुत बारीकी से, हर आदमी को प्लान को बार 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 पेपर में लिख कर आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लान आपके जीवन में किस माध्यम से कैसा, कौन सी लाइन चलानी है। कंपनी बोलती है 1A line 2A line 3A line 4A line 5A line 6A line, कितना चाहिए आपको, कितनी लाइन आपको चलानी है, 5A नहीं, 5 पांडव वाला फार्मूला नहीं, आप 10 लोगों के साथ में भी बिजनेस को कर सकते हैं, आप 100 लोगों के सामने भी फ्रंट लाइन डेवलप करके बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन क्या उतनी डेडिकेशन के साथ समय देने के लिए तैयार है। आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, ऑन पेपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, अगर ऑन पेपर आप वर्किंग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धोखा होगा, गलतियां होगी और उस गलतियों का भरपाई। मैं तो नेटवर्क में था, नेटवर्क मार्केटिंग को समझता था, चीजों को मैं जानता हूं, इसलिए मेरे साथ जो नुकसान हुआ, जो लॉसेस हुए, और लॉसेस थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ा लॉस हुआ,
अगर मैं पूरे बिजनेस को समझ के काम करता तो मैं कम से कम 30 से 40 लाख रुपए नुकसान से बच जाता। मुझे इतनी बड़ी नुकसान हुई है जो मैंने बिजनेस को नहीं समझा उस समय। तो ये सब लॉसेस जो है उनसे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है, जैसे बार 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 सुदेश मलिक सर अपने प्लान वाली जो टोटल डिटेल जब वो करते हैं मंगलवार ट्यूसडे के जो प्रोग्राम है उसमें जब वो प्लान को क्लियर करते हैं तो उनका उनका कहना भी होता है कि अगर आप 6 से 16 हैं, अगर आप 16 लाइन से 6 से हैं, आपके पास इनकम तो होगा बड़ा, लेकिन रिकग्निशन में 6 से 2 डेज 2 से आप छोटे होंगे। तो कंपनी जो है शुरुआती दौर पे आप बिजनेस प्लान को किस तरीके से समझते हैं, आपको विड्थ में काम करना है ऐसा समझ में आता है कि डेप्थ में काम करना है ये समझ में आता है, तो आपको दोनों पहलुओं को लेके काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे चल के बिजनेस जो है वो डेप्थ के ऊपर में ही ज्यादा आपको इनकम भी देती है और फ्रीडम भी देती है। मैं आपको इसके बारे में छोटा सा एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप प्लान को टर्बो प्लान के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 1010 मशीन में 6 से 2 डेज 3 जा सकता है कोई भी आदमी। प्लान का कैलकुलेशन करके आप देखिएगा, 1010 मशीन में कोई भी आदमी 6 से 2 डेज 3 तक जा सकता है टर्बो प्लान के हिसाब से अगर कोई आदमी काम करता है। लेकिन अगर आपने प्लान का प्रॉपर अध्ययन नहीं किया है और आप फ्रंट के ऊपर में वर्किंग कर रहे हैं, 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो हो सकता है 10,000 भी मशीन आपके नंबर के नीचे आ जाएगी, आपको इनकम तो बन जाएगा लेकिन आपका रिकग्निशन लेवल छोटा रहेगा। तो इनकम बन जाएगा लेकिन रिकग्निशन लेवल नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये बात ध्यान देना है, समझना है कि आपको किस लेवल पे काम करना है, किस लेवल पे काम करना है, किस पद्धति से काम करना है। प्लान को बहुत बारीकी से अध्ययन करिए, समझिए, और जब आप ये समझ जाते हैं फिर एक पैटर्न बना के उसके ऊपर में काम करिए। तो उससे क्या होगा कि ये देखिए, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं कि एक गांव था, उस गांव में 4 बहुत अकलमंद ज्ञानी रहते थे, बहुत होशियार थे, मतलब उनकी ज्ञान का लोहा जो है वो पूरी दुनिया के लोग मानते थे, पूरी दुनिया जितने भी लोग उनको जानते थे आसपास के गांव वाले लोग जो है वो सभी लोग उनकी बातों का लोहा मानते थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस गांव में कहीं से चलता फिरता एक हाथी आ गया, वहां पे हाथी आया और उस गांव के में अंदर एंटर करके गांव में पहुंच के वो हाथी वहां जाके बैठ गया। गांव वालों ने देखा, क्योंकि जीवन में पहली बार उस टाइप से कोई अद्भुत बड़ी चीजें लोगों ने देखी थी, तो हाथी को देखने के बाद में गांव वाले ने बोला कि यार ये क्या है, कौन सा जानवर है, ये जानवर के बारे में हमको पता नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि बोले हमारे गांव में जो अकलमंद ज्ञानी रहते हैं उनसे हमको पूछना चाहिए, लेकिन हम इनको एक काम करते हैं, इनको सीधा सीधा उनको ना दिखा के उनके आंखों में पट्टी बांध के इनको पूछा जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, उन ज्ञानी के जो 4 ज्ञानी थे उनको बुलाया और बुलाने के बाद में उन ज्ञानियों के सिर में आंखों में पट्टी बांध दी उन्होंने, और आंखों में पट्टी बांधने के बाद में उनको छू कर ये बताना था कि ये कौन सा जानवर है। अब वो जो ज्ञानी, चूंकि लोगों को जानकारी थी नहीं, वो ज्ञानी आए वहां पे, लोगों ज्ञानियों ने जानवर को छुआ। अब जानवर उस समय बैठा हुआ था, हाथी बैठा हुआ था, तो सबसे पहला जो व्यक्ति था जिनके आंख में पट्टी बंधी थी उसने सबसे पहले उस जानवर के कान को छुआ। कान को छूने के बाद में उसने बताया कि यार ये तो सूप जैसा लग रहा है, सूपा जैसा लग रहा है, ये कोई इस टाइप का कोई जानवर है, सूपा जैसा लग रहा है इसका जो चीज मैं छू रहा हूं उसको छूने के बाद में, ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो ज्ञानी था जिसके आंख में पट्टी बंधी थी उसको बोला गया, उसको पूछा गया, उसको छुआया गया हाथी के सूंड को, तो हाथी को सूंड को जब उन्होंने छुआ तो उनको वो पाइप के जैसा लगा, बोले ये पाइप के जैसा कोई चीज है। उसके बाद में तीसरा जो व्यक्ति था उसको हाथी के पैर को छुआया गया, तो जैसे हाथी के पैर को छुआ तो उसने बोला ये कोई खंभे जैसा प्रतीत हो रहा है, ये कोई जानवर ऐसा है जो खंभे जैसा है। और चौथा जो व्यक्ति था उसको हाथी के पूंछ को पकड़वाया गया, और जैसे ही हाथी के पूंछ को उस व्यक्ति ने पकड़ा, क्योंकि आंख में पट्टी बंधी थी, उसने जोर से चिल्लाया भागो ये अजगर सांप जैसा है। तो नजरिया जो है, हम सबका नजरिया जो है वो अलग अलग हो सकता है, नेटवर्क इंडस्ट्री को लेके, बिजनेस प्लान को लेके सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है। जो आदमी जैसा इस प्लान को देखता है, जो आदमी जैसा इस प्लान को अनुभव करता है, ये उस तरीके से उसको नजर आता है।
तो हमको ये बात समझना है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आने के बाद में, कंपनी को जान गए, प्रोडक्ट को जान गए, और ये एक बार जान गए तो जीवन भर वो उस पद्धति में रहेगा। इसका इसका इस चीजों को आप अपग्रेड करते रहिए, लेकिन प्लान एक ऐसा चीज है जो आपके जीवन में जब काम करना शुरू करेगा तो प्लान को बहुत बारीकी से आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, रिग्रेट होगा, पश्चाताप होगा, बहुत बड़ा पश्चाताप होगा, और हर आदमी उस पश्चाताप से बाहर नहीं निकल पाता, और उस पश्चाताप का जो रिजल्ट होता है कई सारे लोगों के लिए बहुत भयावह होता है। एक पिता थे, पिता बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत करते 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 जीवन में परिवर्तन आया, और अपने सपनों को पूर्ण करने के हिसाब से उन्होंने कार खरीदी। कार खरीदी, बड़ा माहौल था, उत्सव था, क्योंकि नया नया जब भी चीज हम परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो बड़ी खुशियां होती है। तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, सभी लोग बहुत, पूरे परिवार वाले आनंद खुशी में थे उस कार के आने से, सब लोग खुशी थे क्योंकि बहुत मेहनत के बाद में उन्होंने उस कार को खरीदा था। उस खुशी में उस परिवार का एक छोटा बेटा, छोटा सा बेटा, 5 साल का बेटा, वो भी शरीक था। पिता के कार खरीदने से वो भी बहुत खुश था, और उस खुशी के मारे उसने वो कार की डिक्की खोली और कार में जाके बैठ के वो मस्ती करने लगा अंदर कार में। थोड़ी देर बाद में सबका ध्यान जो है अपने अपने काम में लग गया। फिर अचानक बेटा जो है, जो कार में बैठा था, वो बाहर निकला और कार की बोनट को अपने खिलौनों के माध्यम से ठोकना चालू किया। जैसे कार के बोनट को उसने ठोकना चालू किया, ठक 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 करके जो आवाज आई, वह आवाज पिता के कान तक पहुंची, क्योंकि कार नहीं थी। पिता ने सुना कुछ आवाज आ रही है, उसने बाहर निकल के देखा तो एक छोटा बेटा जो है, उसका छोटा बेटा जो था 5 साल का बेटा, वो उस कार को अपने खिलौने के माध्यम से ठोक रहा है और स्क्रेच कर रहा है। नई नई पेंट लगी थी कार में, पूरी पूरी नई कार थी, पेंट उखड़ने लगे थे बच्चे के उस ठक ठक करने की आवाज की वजह से। तो पिता जो है बड़ा नाराज हुए, बोले अभी नई कार खरीद के लाया हूं, अभी खड़ी किया हूं, और मेरा ही बेटा मेरी कार को इस तरीके से खराब कर रहा है। उस पिता को गुस्सा आया और उसने क्या किया, वहां पे रखी हुई एक लकड़ी को, डंडे को उठाया और उठा के उस बच्चे के हाथ में दे मारा। 2-3-4 बार गुस्से में बहुत जोर जोर से उन्होंने मारा, और मारने के बाद में बेटा लहूलुहान हो गया पूरा, पूरे हाथ जो है उसके, बच्चे के जो हाथ है वो पूरे लहूलुहान हो गए, और बच्चा वहीं पे बेहोश हो गया। बच्चा जैसे बेहोश हुआ, थोड़ी देर बाद में पिता को ध्यान आया, अरे इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। बच्चा बेहोश था, उसको उठाया उसने और वहीं पास के हॉस्पिटल में दौड़ते 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 लेके गया। दौड़ते हुए उसने हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में बच्चे को डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने बच्चे को देखने के बाद में बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बच्चा चूंकि बेहोश था, एडमिट किया गया, और एडमिट करने के बाद में उसका ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन में गति ऐसी हुई, स्थिति ऐसी बनी कि चूंकि जो चोट लगी हुई थी वो इस कदर लगी हुई थी कि दोनों हाथ जो है डॉक्टर्स को उस बच्चे के काटने पड़े। अगर वो नहीं काटते तो पॉइजन फैल जाता पूरे शरीर में और पूरा शरीर को डैमेज कर सकता था। तो बच्चे की जान को बचाने के लिए डॉक्टर्स को बच्चे के हाथ को काटना पड़ा। हाथ कटने के बाद में बच्चे की जान को बचाई गई, और जैसे ही बच्चे का जान बचा, समय गुजर गया, 2 दिन बीत गए, बच्चे को होश आया। बच्चे ने होश आते ही, सामने पूरी परिवार थी वहां पे, क्योंकि पिता को बहुत रिग्रेट था, बहुत पश्चाताप था अपनी गलती का कि मैंने क्या गलती कर दिया, जो कार जो खराब थी वो तो बनाई जा सकती थी। बच्चा उठते ही सबसे पहले अपने पिता को बोला, सॉरी पापा, मेरी सी गलती हो गई, मैंने आपकी कार को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन क्या आप मुझे मेरी हाथ वापस कर सकते हैं? आप माने ना माने, सोचिए उस पिता के अंदर में क्या बीती होगी। और इन शब्दों से कि क्या आप मेरे हाथ वापस कर सकते हैं, इस बात से उस पिता को के दिल में इस कदर चोट पहुंची कि उस हॉस्पिटल के 7वें मंजिल माले से पिता कूद के आत्महत्या कर गए। तो कई बार जिंदगी में इस तरीके की घटनाएं घट जाती है। पश्चाताप जो होता है, जिस समय चीजों को बताई जाती है उस समय हम ध्यान नहीं देते, और कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से, उन गलतियों से हम सीख नहीं पाते हैं, लोगों की गलतियों से हम सीख नहीं पाते हैं, और उन गलतियों की वजह से हमारे हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को हमको छोड़ना पड़ जाता है। कई सारे लोग बिजनेस से क्विट कर जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो गलतियां मुझसे हुई, वो गलतियां आप ना करें, और वो पश्चाताप आपको ना हो,
और आप इस बिजनेस में बने रहें और अपने सपनों तक आगे बढ़ते रहें। मेरी नजर से ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है, इस बात को मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जब से मैंने देखा है, जब से मैंने जाना है, नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है हर इंसान के जीवन में। नॉर्मल जिंदगी जीने के जो स्टाइल होती है हमारी, जीने की जो कला होती है जीवन में, जो नॉर्मल जिंदगी होती जो लोग जीते हैं, उनकी अपेक्षा एक नेटवर्कर जो होता है हर परिस्थितियों में पॉजिटिविटी को देखता है, हर विषम परिस्थितियों में भी पॉजिटिव खोजने की कोशिश करता है। और वाकई में ये जो मंच है, ये जो माध्यम है, व्यापार की प्रणाली जो है, इसमें हम इनकम तो जनरेट करते हैं, सपनों को पूरा तो करते ही हैं, और साथ में हम लोगों के जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं। तो मेरा मानना जो है वो ये है कि ये बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, बहुत तेजी से, चूंकि अभी प्रणालियों में आप सबने देखा होगा पिछले कई सालों से पूरी दुनिया के अंदर में ये बिजनेस की प्रणाली चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम भारत के अंदर में भी ये चल रही है, लेकिन भारत के अंदर में प्रॉपर रूल रेगुलेशन ना होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। हमारे तो 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग के पाले में हम आए, तब से लेके अभी तक हमको ये बिजनेस मिलने में 2018 मतलब कई साल लग गए। आज भाई कई सारे लोगों के साथ में जीवन में ये बहुत शुरुआती तौर पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया और इतनी बड़ी कंपनी मिल गई जो पूरा जीवन बदल सकता है, लोगों का जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो ये बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है, और डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे जब चलता है तो काम करते समय हमको बहुत इजी चीजों को बहुत ध्यान से इसमें करना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत सारे लोग जो है वो देखते होते हैं, और जो देखते हैं हमारी टीम के जो लोग हैं हमको जो देखते हैं उसी के अनुसार से इस काम को करने का प्रयास करते हैं। इसमें भी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे प्रधान सर ने मुझे बोला कि ये 2 लेग का प्लान है, मैंने काम करना चालू कर दिया, उसमें नुकसान हुआ, तो हमको इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि डुप्लीकेशन जो है, हमारी टीम जब डुप्लीकेशन कर रही है तो हमको इसके सिद्धांतों को पूरा प्रॉपर वे में फॉलो करते हुए चलना चाहिए। अगर हम प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करेंगे तो होगा क्या कि हमको जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा, साथ में हमारी टीम को भी नुकसान हो सकता है। तो डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे जब ये चलता है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी जो विषम परिस्थितियां आई कोरोना काल का जो परिस्थिति बना, कोरोना वाली जो परिस्थिति आई उसमें आप सबने देखा होगा कि हम सब पहले जब बिजनेस की शुरुआत जब कर रहे थे उस समय, बिजनेस की जिस समय हम शुरुआत कर रहे थे उस समय हम सब जो है वो भारत के माध्यम से ही हम चीजों को जो है फॉर्म जो है वो बेंगलोर ऑफिस के माध्यम से ही जो है वो लॉगिन करवाते थे, और लॉगिन करवा जो भी काम हमारा जो था बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया, कंपनी में कुछ अपडेशंस आए, और कंपनी में जैसे ही कुछ अपडेशंस आए उस समय सिचुएशन में आपने देखा होगा एक परिवर्तन आया कि कंपनी जो है वो पूरे फॉर्म की लॉगिन का जो सिस्टम था वो जापान में शिफ्ट किया। देखो काम में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, कंपनी चाहती तो बेंगलोर ऑफिस को और बड़ा कर सकती थी, और जिस हिसाब से कंपनी भारत में ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से चाहती तो कंपनी जहां पे ऑफिस है उसके दूसरे माले, तीसरे माले, चौथे माले सभी को ले सकती है। लेकिन कंपनी ने भारत के अंदर में उस चीज को और ज्यादा ब्रॉड ना करते हुए यहां के काम को उसी तरीके से सुचारू रूप से रखा, और उन्होंने पूरे ऑफिस जितने भी हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी फॉर्म्स अभी जा रही है उसको उन्होंने जापान बुलवाया। अभी जापान में हम फॉर्म को जीओसी में लॉगिन करते हैं और बहुत इजी वे में काम जो है सुचारू रूप से, थोड़े प्रॉब्लम्स आए लेकिन अब सुचारू रूप से सब चीजें चलने लगी। तो कंपनी जो है उस मतलब लेबल को, उस चीजों को डुप्लीकेबल बना के रखा, उन्होंने ऑफिस के ऊपर में और तामझाम के ऊपर में बहुत बड़ा खर्च नहीं किया। आप जब कभी बेंगलोर ऑफिस जाएंगे तो आपने अब जैसे एंटर करेंगे कंपनी बहुत सिंपल ऑफिस को बना के रखी हुई है, बहुत सिंपल, उनको पता है कि ये डुप्लीकेबल वर्क है और हर आदमी जो है इस काम को किस तरीके से करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बना के रखा हुआ है। और इस ये नेटवर्क इंडस्ट्री की ये सिंपलिसिटी है कि ये डुप्लीकेशन के आधार पे होना चाहिए। हम जो चीज करते हैं, मंकी सी मंकी डू बोलते हैं कि एक व्यक्ति जो हमको देखता है उसी के आधार पे अपने सपनों को लेके काम करना शुरू करता है, तो डुप्लीकेशन के आधार पे ये जो है ये काम जो है वो चलता है। तो मैं सभी जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में हैं, एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना काल आया, सुदेश मलिक साहब ने जूम मीटिंग के माध्यम से बिजनेस को पूरा अपडेट कर दिया, पूरा तमाम तरीके तरह से लोग जो है मीटिंग के साथ में ज्वाइंट हो गए और धीरे धीरे करके अपने आप को, ये डुप्लीकेबल है,
नहीं तो पहले जो पुराने वर्क थे हमारे, उस वर्क में हम बड़े बड़े होटल्स करते थे, फिर उसमें लाखों रुपए खर्च होते थे, समय जाता था 20-25 दिन सुरेश मलिक सर एजुकेशन देने के लिए बाहर जाते थे। ठीक है, जब सब चीज ओपन हो जाएगा तो वो मीटिंगें भी होगी, क्योंकि वो मीटिंगों की भी जरूरत है इस बिजनेस में। लेकिन आज जो परिवेश था, विषम परिस्थिति थी, उसके बाद जब बिजनेस को कंटिन्यूशन में रखना था तो जो डुप्लीकेबल वर्क हो सकता था जूम के माध्यम से, सुरेश मलिक साहब ने जो प्लेटफॉर्म बनाया बहुत काबिले तारीफ है, और ये वाकई में डुप्लीकेबल है। हर आदमी इस चीज को डुप्लीकेट कर सकता है और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ये काम जब हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये काम जब हम शुरुआत करते हैं, स्पेशली नए लोगों के लिए ये बात, ये चैप्टर जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं, कि चार तरीके तरह के शत्रु हैं ये जब काम हम करते हैं तो, चार तरीके के मानसिक शत्रु हैं। सबसे पहला जो है मानसिक शत्रु जो है, सब शुरुआती दौर पे आपको आपको अपने साथ ही आपको फाइट करनी है पूरी समय, तो सबसे पहला जो शत्रु है वह है अस्वीकृति की। लोग आपको अस्वीकार करते हैं, मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो है लोग आपको अस्वीकार करते हैं, जिससे आपको निपटना होता है। दूसरा, लोग आपको धोखा देते हैं, बिल्कुल 100% लोग आपको धोखा देते हैं, और उस धोखा को भी इस बिजनेस में आपको बर्दाश्त करना है। अगर धोखे से क्योंकि आप आम दुनिया से हैं, अचानक इस इंडस्ट्री में आए, चीजों को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो जो अस्वीकृति है, जो नो होगा, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो धोखा होगा उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो मानसिक शत्रु है वह है उदासीनता। लोग रिएक्शन ही नहीं करेंगे देखने के बाद में, ठीक है पानी के लिए इतनी महंगी मशीन, मतलब लोग बिल्कुल उदासीन होते हैं जिंदगी में, तो लोग जो है उदासीन है, और ये आपको फेस करना पड़ेगा उदासीनता को भी। और चौथा जो चीज है वो है छह, नुकसान। ये होता है बिल्कुल, मतलब लोग जो है करेंगे, शुरुआत तो कर देंगे लेकिन अचानक छोड़ देंगे चीजों को बीच में, तो ये छह होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं, जैसे मान लो हमने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, जैसे ही हमने 100 लोगों का लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद में हम लोगों को जब इन्वाइट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस डेमोस्ट्रेशन देखने के लिए, प्लान को समझने के लिए, तो आपने देखा होगा 100 में से 80 लोग आपको यस बोलेंगे, 20 लोग आपको साफ साफ मना कर देंगे। मतलब समझे आप, 20 लोग आपको अस्वीकार कर दिए, नहीं बिल्कुल मुझे नहीं करना है और मैं नहीं आ सकता, ऐसा लोग बोलते हैं। तो 100 लोगों को आपने लिस्ट बनाया, 100 लोगों को आपने इनविटेशन दिया, 80 लोग आपको यस बोलेंगे और उसमें से 20 लोग जो है आपको अस्वीकार कर देंगे। तो ये आपके साथ में पहला एक्सपीरियंस होगा, आपको लोगों की अस्वीकृति जो है उसको फेस करनी पड़ेगी, सबसे पहला। दूसरा जो है धोखा। जो 80 लोग आपको यस बोले, जो मीटिंग में आने की बात बोले, अब क्या होता है 80 लोगों के हिसाब से हम अरेंजमेंट करते हैं, चीजों को व्यवस्थित करते हैं, उनके बैठने की चेयर की व्यवस्था करते हैं, और बहुत सारे चीजों को उनको उनको दिखाने उनको बताने के हिसाब से हम चीजों को अपडेट करते हैं। तो उन 80 लोगों में से 60 लोग जो हैं वो आएंगे वहां तक, और 20 लोग किसी ना किसी बहाने से आपको मना कर देंगे, आएंगे ही नहीं। अच्छा आएंगे ही नहीं वो तो है, लेकिन वो आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो जो अरेंजमेंट आपने किया, देखो यहां पे तकलीफ क्या होती है, जो अरेंजमेंट आपने किया, आपने 80 लोगों के हिसाब से किया और उसमें से 20 लोग नहीं आए, तो जो व्यवस्था होती, जो व्यवस्था होती वो बिगड़ती है, और उसमें आपको ये फील होता है कि यार लोग हां बोल के भी धोखा दे दिए, नहीं आए। तो जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अस्वीकृति को फेस करना पड़ता है, दूसरा आपको ये धोखा जो होता है इसको फेस करना पड़ता है, फिर तीसरा जो 60 लोग आपको आके डेमो देखी, उन 60 लोगों में से 40 लोग जो है आपकी बातों को यस जबरदस्त बहुत बढ़िया ऐसा बोलेंगे, और 20 लोग ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल उदासीन रहेंगे, आएंगे आप मीटिंग्स में बुलाएंगे, चाय नाश्ता की व्यवस्था अगर आपने की है तो वो चाय नाश्ता करेंगे और वो चले जाएंगे, उसके ऊपर में कोई रिएक्शन ही नहीं रहेगा। जैसे कोई प्रोग्राम अटेंड करने गए थे, 3 घंटे की पिक्चर देखने गए थे, गए किसी, उसमें कोई व्यू नहीं देना है, मतलब चीजें अच्छी आप पूछेंगे, चीजें अच्छी है तो हाँ ठीक है, इस तरीके से मानसिकता होती है लोगों की। तो ये जो उदासीनता होती है, जो नर्वसनेस जो लोगों का होता है, क्योंकि इसी माहौल में लोग जीते, पूरी दुनिया जो है वो इसी पद्धति पे चल रही है, तो उदासीनता जो होती है, 2 लाख की मशीन अचानक जब सुनता है कोई आदमी, 1 लाख 2 लाख 18 हजार की मशीन, 2 लाख 77 हजार की मशीन, तो वो और ज्यादा उदासीन हो जाते हैं जिंदगी में, यार ये तो हमारे से हमसे लिया भी नहीं जाएगा, तो ये उदासीनता होती है। और उसके बाद में जो 40 लोग आए, उनमें से 20 लोग जो यस किए,
वो 20 लोग आपसे मशीन परचेस करेंगे, और उस 20 लोगों के मशीन के परचेस करने से आपको इनकम तो जनरेट होगी, और जो लोग मशीन परचेस करते हैं उनके साथ में हम बिजनेस करने की शुरुआत भी करते हैं। लेकिन बिजनेस करने की जब आप शुरुआत करेंगे तो आप लोगों के साथ में जब आप बिजनेस करने के लिए भिड़ जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो 20 के 20 में से कुछ लोग काम के निकलते हैं, हो सकता है 2-3-4 लोग, क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों का आना मशीन परचेस करने का मतलब क्या हुआ, 20 लोग यूजर बन गए, उपभोग करने लगे वस्तुओं का, जो आपने मशीन दिया वो खुश है उसमें, जो काम करने वाले लोग हैं वो निकल के आपके साथ में है। तो ये 6 हुआ, मतलब मान लो 20 लोग आपके साथ में आए, मशीन उन्होंने परचेस कर लिया, उससे जो आपकी इनकम बननी थी वो बन गई, लेकिन वो 20 लोगों में से 3-4 लोग ही काम के निकले, बाकी जो 15-16 लोग जो काम में इंटरेस्ट ने लिया। कई बार क्या होता है, ये जो 6 हुआ ना, ये जो लोग काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, हम उनमें बहुत सारा हमारा जो समय है उसको वेस्ट कर देते हैं, और ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं इसलिए आपको स्पेशली इन बातों को आपके सामने रख रहा हूं कि अस्वीकृति होगी, आपके साथ धोखा भी होगा, लोग उदासीनता भी आपके साथ में करेंगे, उदासीन भी होंगे, और आपके साथ क्षय भी होगा, नुकसान भी होगा। तो इन सब चीजों को लेके आपको किसी भी कंडीशन में अपने सपनों को लेके इस बिजनेस में बने रहने की जरूरत है। आपको एक कहानी बताता हूं मैं, ये बिजनेस किस पद्धति के आधार पर चलता है, ये बिजनेस का नेचर क्या है। एक मूर्तिकार था, और उस मूर्तिकार ने शानदार मूर्ति बनाई, तीन मूर्ति बनाई बहुत जबरदस्त, और तीनों जो मूर्तियां हैं वो दिखने में एक जैसी थी, एक जैसी मूर्ति उन्होंने बनाई, बिल्कुल एक जैसा, एक जैसा नाक, एक जैसा कान, एक जैसा आंख, वैसे ही बाल, वैसे ही मुंह, वैसे उसका शरीर का बनावट, पूरा हर चीज एक जैसा बनाया मूर्तिकार ने, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। तीनों मूर्तियों को उसने, जो मूर्तिकार जो था उसने उसको बेचने के लिए सेल में रखा, लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह थी कि उन तीनों मूर्तियों में उन्होंने अलग अलग रेट के टैग लगाए, कॉस्ट उन्होंने तीनों का अलग अलग रखा। एक मूर्ति का जो कॉस्ट था, पहली मूर्ति जो थी उसकी कॉस्ट उन्होंने रखी 10 रुपए, दूसरी मूर्ति जो उन्होंने बनाई दिखने में सेम थी लेकिन उस मूर्ति का कॉस्ट जो था उन्होंने रखा 100 रुपए, और तीसरी मूर्ति जो उन्होंने बनाई दिखने में वो भी सेम था लेकिन उसकी उन्होंने कॉस्ट रखी 1000 रुपए। तो बहुत सारे लोग आते थे, देखते थे, चले जाते थे, लेकिन एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, वो आया, चीजों को देखा, और देखने के बाद में उसने पूछा मूर्तिकार से कि एक मूर्ति की कीमत 10 रुपए, दूसरे मूर्ति की कीमत 100 रुपए, और तीसरे मूर्ति की कीमत 1000 रुपए, ऐसा क्यों भाई, दिखने में तो तीनों एक जैसे हैं लेकिन तीनों मूर्तियों में रेट अलग अलग क्यों है। तो उन्होंने, मूर्तिकार ने बताया कि पहली मूर्ति जो है इसमें अगर आप धागा डालेंगे, पहली मूर्ति में जब आप धागा डालेंगे तो वो धागा जो है वो दूसरे कान से निकल जाएगा। इस मूर्तियों के माध्यम से आप समझिएगा कि किस किस तरीके के लोग होते हैं और आपको किस तरीके का बनना है। तो पहली मूर्ति में जैसे आप धागा डालोगे, मूर्तिकार ने बताया कि पहली मूर्ति में जब आप धागा डालोगे तो वो धागा एक कान से डालोगे तो दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से छोड़ देते हैं चीजों को। दूसरी मूर्ति के बारे में खासियत उन्होंने बताया कि इस मूर्ति की खासियत यह है कि इनके कान में जैसे ही आप धागा डालोगे तो ये धागा सीधा पेट में चले जाता है, ये कुछ बोलता नहीं, मौन रहता है, सुनता तो सब कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग तो सुनते तो हैं, आ तो जाते हैं, मशीन तो खरीद लेते हैं, सब चीज करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, मतलब कान में धागा डाला और बातें पेट में चले गई। लेकिन तीसरी मूर्ति के बारे में उन्होंने जो चीजें बताई, उस मूर्ति के बारे में उन्होंने बताया कि इस मूर्ति की खासियत यह है कि इस मूर्ति में जैसे ही आप धागा कान में डालोगे ये धागा जो है वो मुंह के माध्यम से बाहर निकलता है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि ये सुनता भी है और सुनने के बाद में मुंह से बोलता भी है। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है,
मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हमको इसी तरीके का मूर्ति बनना है और इसी तरीके के मूर्ति बनाने भी हैं जो एक कान से सुने तो सही और दूसरी कान से दूसरे तरफ से मुंह से उन चीजों को प्रेजेंट करे, चीजों को बताए। अगर आपने सुन लिया और चीजों को लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं, चीजों को लोगों को बता नहीं रहे हैं, अपनी मशीन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में अगर आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो जब तक ये जानकारी आप लोगों को देंगे नहीं, तब तक ये जो व्यापार है, ये जो प्रणाली है, आपके जीवन में होने वाला नहीं है। और फिर आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत चीजों को जानता तो हूं लेकिन ये बिजनेस मेरे जीवन में होता नहीं। तो जानना काफी नहीं है, इस बिजनेस में आपको करना भी पड़ेगा। और तीसरी मूर्ति वाली जो बात है वो आपको बननी पड़ेगी। सुनना सभी चीज को है और सभी चीज को जानने के बाद में एज इट इज जैसे सीनियर लीडर्स बताते हैं चीजों को, उस तरीके से चीजों को हमको प्रेजेंट भी करना है। तो जितना बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, जैसे मलिक सर हमेशा बोलते हैं कि मशीन के बारे में, कंपनी के बारे में बताना ये साइंस है, और लिटरली ये साइंस है, ऑब्वियस ये साइंस है। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं, लोगों से पेमेंट निकलवाना, क्योंकि पानी के लिए भारत जैसे देश में इतनी महंगी रकम 2-3 लाख रुपए लोगों के जेब से निकलवाना, तो ये जो टेक्निक है ये आपको आनी चाहिए। और ये टेक्निक जो है इस मंच के माध्यम से, इस मीटिंग्स के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है। वैसे तो हमारा मशीन ही काफी है, बहुत सारी चीजों को मशीन क्लियर कर देता है, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉपर वे में जब हम फॉलोअप करते हैं तो चीजें हमारे साथ तो होने लगती है और हम जीवन में इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जितने लोग जूम के माध्यम से, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से आज मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बिल्कुल भी वो परिस्थिति नहीं थी कि आज मैं लोगों को एजुकेट कर पाऊं। ये जो मंच जो है इसने मुझे उतना बड़ा बनाया। ये जो लीडर्स जो हैं आज जिनको आप देख रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो है जो इस बिजनेस के माध्यम से पूरे जीवन में बड़ा परिवर्तन किया जिन लोगों ने, ये मंच जो है, ये बिजनेस प्रणाली जो है, ये जो सिस्टम है उसने लोगों को बड़ा बनाया। मैंने अपने जन्म के समय में देखो आप कैसे परिस्थितियां निर्मित होती है। 1973 का बर्थ है मेरा, 1974 में कंपनी की शुरुआत हुई, 1994 में बिजनेस कमर्शियल रूप में आया और उसके बाद में पूरी दुनिया में रन किया। 2016 में बिजनेस इंडिया में आया और 2016 में बिजनेस इंडिया में आने के बाद में वो हमारे तक पहुंचा। सोच के देखो जन्म के समय ये बिजनेस लॉन्च हो चुका था, मतलब कितनी बड़ी बात थी। माहौल बनते जा रहा था, प्रकृति अपनी काम कर रही थी। इस नेचर में बहुत कुछ है, इस प्रकृति में देने वाला नेचर है। हम कई बार बहुत सारे लोगों के सामने हाथ फैलाते होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में हर चीज जो आपको मिलता है वो नेचर के माध्यम से मिलता है। कहीं ना कहीं लोग भले माध्यम होते हैं लेकिन देने वाला नेचर ही होता है, प्रकृति ही हमको देती है। आपको हवा फ्री में मिलता है, नेचर देता है। पानी फ्री में मिलता है, नेचर देता है। सोना, लोहा, पीतल, पेट्रोल, साग भाजी, अन्न, जो भी चीजें हमको मिलती है, हर चीज आप कल्पना करके देखिए। आप एक बार कल्पना करके देखिए कि इस तरीके से भगवान से दुआओं के माध्यम से, नियम से हम प्रकृति से ही चीजों को मांगते हैं और प्रकृति ने आपको आपके मांगने के हिसाब से ये इतना बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म आपको दे दिया है। अब समझना है चीजों को, समझने के साथ साथ में आपको आगे आना है और अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करना है। मैं गजेंद्र कुमार साहू आप सबको, जिस हिसाब से मैंने शुरू में बोला था, हार्डवेयर वाइज तो हम सब एक जैसे हैं, हमारे हाथ पैर नाक नक सब एक जैसे हैं, सॉफ्टवेयर वाइज हमको बदलना है तो हम सब लोगों को सॉफ्टवेयर, मतलब यहां से हम सब लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाने हैं। सॉफ्टवेयर को अगर हम प्रॉपर वे में अपडेट करते हैं तो हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैंने परिवर्तन की बात की, उसके बाद में मैंने आपके सामने अपनी छोटी सी स्टोरी रखी और फिर मैंने अपनी गलतियां बताई, उन गलतियों से आप क्या सीख ले सकते हैं, फिर आपको बिजनेस जब करना है तो क्या आपको नॉलेज क्या लेना है, कंपनी के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है और स्पेशली बिजनेस प्लान बार 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 आपको रिपीट करना है, लिख के देखना है कि ये बिजनेस प्लान मेरे जीवन में कैसा हो सकता है।
और उसके बाद में पश्चाताप, अगर आप प्रॉपर चीजों को समझते हैं तो किसी प्रकार की आपको पश्चाताप नहीं होगी, आपसे बिजनेस छूटेगा नहीं, जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन के आधार पर चलता है, डुप्लीकेशन जितना आसान हो सके उस तरीके से काम को करिए, और जितना आसानी से आप ग्रोथ कर सके उस तरीके से काम को करिए। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि चार शत्रु हैं मानसिक शत्रु, जिनसे आपको लगातार लड़ते रहना है, अस्वीकृति, धोखा, उदासीनता और छह। और मैंने आपको तीन मूर्ति वाली कहानी के माध्यम से आपको एक बात रखी आपके सामने कि तीन मूर्ति जो है आपको उसमें से कौन सी मूर्ति बननी है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज मेरे इस मीटिंग के माध्यम से आप जितने लोग हैं उन सभी को अगर एक लाइन भी आपके जीवन में परिवर्तन के लिए मिल गया होगा, तो आज का मेरा ये जो मीटिंग है, आज का ये जो मंच है, मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होगा।